रिटर्न एग्जाम देने के लिए आया हूँ इंडियन आर्मी में टीडीएन पोस्ट में। 2022 रिक्रूटमेंट में मैं दिया था, रनिंग में फेल हुआ था। उस बार रनिंग में 300 बंदे में 10 बंदे रखते थे और रनिंग बहुत हार्ड होता था, कंपटीशन बहुत होता था। पढ़ाई लिखाई भी जो नहीं करते थे वो भी आ जाते थे। अभी इस बार पहले रिटर्न किया है, अच्छा किया है। रिटर्न में जितना बच्चे छांट जाएंगे उसके बाद जितना रहेंगे वो उतना अच्छे से कर पाएंगे, फिजिकल कर पाएंगे। कैसी तैयारी है आप? तैयारी अच्छा किया है, फिजिकली पढ़ा हूँ, ऑनलाइन में भी पढ़ा हूँ। क्या क्या तैयारी है, क्या क्या सब्जेक्ट? सब्जेक्ट हमारा रहता है जीएस में 15 रहता है, जीके में 15 रहता है, मैथ में 15 रहता है और रीजनिंग में 5 क्वेश्चन आते हैं। पहले आर्मी रिटर्न हो जाता था, आर्मी का जो पहले फिजिकल होता था, अब प्रोसेसर चेंज किया है, अब रिटर्न एग्जाम फास्ट है। रिटर्न एग्जाम पे 150 मार्क फाका फाकी हो जाता है, 1 घंटे का टाइम होता है। तो पहले आपने कब एग्जाम दिया था? पहले तो एग्जाम नहीं रहता था, पहले हुआ था फिजिकल टेस्ट होता था, अब प्रोसेस चेंज किया है, 2023 में एग्जाम फास्ट है रिटर्न एग्जाम। ये प्रोसेस अच्छा लगता है। अगले जो प्रोसेस था ना, अगले प्रोसेस में जो फिजिकल टेस्ट था, फिजिकल टेस्ट में बहुत बहुत बंदे जाते थे ना, हजार हजार बंदे जाते थे बिना रनिंग के, बहुत हार जाते थे। टाइमिंग नहीं होता था, टाइमिंग वजह से बहुत 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 बंदे जो पीछे रह जाते थे। वो प्रोसेस कुछ अलग था। वो प्रोसेस है जो रिटर्न एग्जामिनेशन फास्ट है, रिटर्न एग्जाम जो क्वालिफाई करेंगे तो फिजिकल टेस्ट होगा। तैयारी कौन कौन से सब्जेक्ट की है? यार जीके, इंग्लिश, मैथ, ये सब मिलके होगा।